से वादा लिया है कि लास्ट तक प्रोग्राम में बने रहेंगे और बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। वादा? यस। पक्का वाला? यस। फॉरएवर? यस। है ना? यस। चलिए बढ़िया, वादे के पाबंद रहना, सभी लोग अच्छे से कोऑपरेट करना। एक बार फिर से चेक कर लो, जितने हमारे नए मेहमान अभी अभी एंटर किए हैं, अपने अपने फोन को चेक कर लीजिए कि आपका बीच में कोई भी रिंगटोन नहीं बजना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए, और बहुत सारे लोग हो सकता है इतना ज्यादा सीरियस ना हो। तो सभी लोग अपने अपने फोन को चेक कर लीजिए, मोबाइल का गला दबा दीजिए और पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन सामने स्लाइड के ऊपर होना चाहिए। तैयार है सारे लोग? yes. हो गया सभी का? yes. नए लोग कितने आए थे जो अभी बात में, उन सभी लोगों ने चेक कर लिया, देख लिया ना? ठीक है, सामने देखेंगे सभी लोग। एसवीकेएस वैलीज प्राइवेट लिमिटेड दो सेक्टर में काम करती है, एक है बीमारी और एक बेरोजगारी। बीमारी का मतलब ये कि हम आजकल लगातार अनचाही बीमारी बेवजह मौत का शिकार हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है आज हमें वो पता चलेगा, उससे कैसे करके बच सकते हैं आज हमें वो भी पता चलेगा। साथ ही साथ में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नासूर है क्या है वो? बेरोजगारी। क्या है वो? बेरोजगारी। अरे सारे लोग को पता नहीं है क्या बेरोजगारी? तो आवाज में दम होना चाहिए, देखो पहले एनर्जी ले चुकी हूँ, ठीक है ना, तो कंजूसी नहीं आना चाहिए। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है प्रॉब्लम वो हमारे हिंदुस्तान की बेरोजगारी, उसको भी कैसे करके हम लोग दूर कर सकते हैं, उसका भी हमें आज यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। नेक्स्ट करेगा सर, नेक्स्ट। इसका हेड ऑफिस मैं भी बता चुका था, सेक्टर 17 न्यू दिल्ली के अंदर है। 9 नवंबर 2014 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक सोच के साथ में, एक मुहिम के साथ में, कि हम अपने हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है। नेक्स्ट, इसके पास में सभी लीगल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लीगल वे में किस तरीके से हमें चलाना है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करें, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, इसके अलावा नेक्स्ट करेगा इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, और भी बहुत सारे संकल्प से सिद्धि अवार्ड मिला है। फोर्ब्स मैगजीन के अंदर उसके आर्टिकल है एमडी सर का, और साथ ही साथ में पीएम सर के साथ में एमडी सर का फोटो आ रहा है। दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर एसवीकेएस वैलीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये सारी की सारी चीजें हो पाई तो कहीं ना कहीं एसवीकेएस वैलीज प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 से आज तक बहुत बड़े कीर्तिमान रचे, इसी वजह से इन्होंने इतनी सारी उपलब्धियां ली है, इतनी सारी उपलब्धियों के लिए, इतनी शानदार चीजों के लिए। और इसके एमडी मिस्टर संजीव सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहले का जीवन कैसा था और आज का जीवन कैसा है, आजकल हम लोग लगातार इतनी खतरनाक बीमारी के शिकार क्यों हैं। सामने सभी लोग का कंसंट्रेशन स्लाइड पे होना चाहिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना आप सभी लोग। पहले क्या होता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लोग 100% छोटी चीजों का यूज करते थे, योगा करते थे, 60-70-100 साल तक जीते थे, 100 साल से भी ज्यादा बहुत सारे लोग जिए हैं, आप लोग अपने बुजुर्गों से पता करिएगा। और सबसे बेहतर चीज क्या है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे जितनी भी जिंदगी होती थी। लेकिन आज क्या बदलाव हुए, आज के टाइम में लोग फास्ट फूड जंक फूड का यूज करने लगे, जिसकी वजह से लोग 40 साल तक पहुंचते पहुंचते खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आगे का जितनी भी जिंदगी होती है वो दवाइयों के सहारे चलती है, और आज के टाइम में जो डेथ रेशियो है वो नेचुरल बहुत कम है, अननेचुरल बहुत ज्यादा है। क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं? yes. मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ये आप लोगों के लिए जस्ट रिमाइंडर है, आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी लापरवाही की वजह से उन चीजों को इग्नोर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने घरों में बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को कैसे करके अवेयर करें और किन चीजों को हमें अवॉइड करना है और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगा, ताली में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर। थकान तो नहीं हो रही है? नहीं। बीमारियां दूर हो रही है? हो रही है ना। एक चीज और भी ध्यान रखना कि जो लोग तालियां नहीं बजा रहे स्पेशली उनके लिए, कि जो लोग कहते हैं कि सर जी बोलते हैं कि जो तालियां बजाते हैं, और एक प्रेशर की ये कहानी है कि तालियां जितनी लोग बजाते हैं तो उनसे बीमारियां दूर होती है, भाग जाती है, यस और नो? यस। तो वो भागेंगी कहां पर, कहां जाएंगी? तो जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं जो तालियां नहीं बजा रहे उनके पास में चली जाएंगी। ध्यान रखना, तो हर बंदे को तालियां बजाना है, ठीक है ना। तो एक बार सेहत के लिए अपनी अपनी सेहत की जोरदार और शानदार तालियां। रियल में कोई ऐसी बीमारियां जिनका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है,
और आप लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या करता है, ऑपरेशन कराता है, और ऑपरेशन के बाद भी परमानेंट कस्टमर को डॉक्टर का बन जाता है। यस और नो? यस। तो इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, शुगर की अगर मैं बात कर लूं तो अगर किसी भी बंदे को शुगर हो जाता है तो पहले तो वो एक टेबलेट का सहारा लेता है, जिंदगी भर उस टेबलेट को यूज करता है, और लास्ट में आते आते वो ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंसुलिन पे। यस और नो? यस। तो मतलब अंग्रेजी दवाइयों में इलाज नहीं है, केयर है लेकिन क्योर नहीं है 100%। यस और नो? यस। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का जो चरण हुआ, इसको जो बनाया गया, वो इसलिए बनाया कि वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए, कि हम लोग को अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत आराम के लिए वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन 100% पूरी तरीके से अगर किसी चीज का इलाज है तो वो बहुत सारी और भी पैथी उसके अंदर है। लेकिन आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो सामने कंसंट्रेशन आपका सेलेक्ट होना चाहिए, भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट करिएगा सर। देखिए, बीमारियां पहले भी थी, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां होती थी, लेकिन आज की जो बीमारियां मैंने आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी बीमारी जिसकी वजह से लोग अनचाही बीमारी बेवजह मौत का शिकार हो रहे हैं, और उनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज ना होने की वजह से उसी बीमारी की वजह से वो लोग अपने डेथ तक पहुंच जा रहे हैं। यस और नो? यस। नेक्स्ट करिएगा। देखिए, हुआ क्या, पहले क्या होता था, 100% जो खेती होती थी वो नेचुरल तरीके से होती थी, आज के टाइम में पेस्टिसाइड छिड़का हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है, हमारा जो खाने पकाने का मेथड था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले लोग खाना पका करके खाते थे, आज के लोग खाना गला करके खाते हैं, प्रेशर कुकर और गैस का जमाना आ गया। दूसरी चीज क्या है, फास्ट फूड जंक फूड का यूज करने लगे, और साथ ही साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई, लोग मोबाइल फोन पे अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिए, ये भी बहुत बड़ा कारण है आज के लोगों को बीमार होने का। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट करिएगा, ये पेस्टिसाइड है, जो पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये भी सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग अनचाही बीमारी बेवजह मौत का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखिए सामने ये सारी जो चीजें हैं, हम लोगों ने अपने जो कल्चर को बदला, हम लोगों ने जो अपने लाइफ स्टाइल को बदला है, उन सभी की वजह से हमारे जो बीमारियां हैं आज के टाइम में हमारे समाज के अंदर बीमारियां हैं। सबसे ज्यादा आज के टाइम में डेथ रेशो हो रहा है वो कार्डियक एसेट की वजह से हो रहा है, कार्डियोलॉजिकल डिसीज हो रही है लोगों को, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस हो जा रहा है, मोटापे का लोग शिकार हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रही है बहुत ज्यादा लोगों को। इसके अलावा लोगों को कैंसर, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम लेने से लोग डरते थे, आज छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एलर्जी हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, ये सारी वो बीमारियां जिनका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है, केयर है लेकिन क्योर 100% नहीं है। क्या इस बात से एग्री करेंगे सभी लोग? ठीक है, अब हम करें क्या, ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों से बचना कैसे है? तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना, हमें फास्ट फूड और जंक फूड को पूरी तरीके से बंद कर देना, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर वगैरह ये सारी चीजों को बंद कर देना, और ये ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ देने से हमारा जीवन रुक नहीं जाएगा। यस और नो? यस। और बेहतर हो जाएगा। तो अगर बेहतर हो जाए तो ऐसी चीजों को छोड़ना अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है? अरे बोलो ना तो सारे लोग, अच्छा है बुरा है? तो अच्छा है, हमें अपनी हेल्थ के लिए इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, और जो लोग पहले से बीमार हो चुके उनके लिए क्या, और आने वाले टाइम में क्योंकि हम लोग केमिकल के युग में जी रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग अपने आप को कैसे करके बेहतर रख सकते हैं, अपने आप को लाइफ को कैसे करके हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए एसडीपीएच वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत ही शानदार प्रोडक्ट और हमारी पुरानी पैथी आयुर्वेद, जिसके बारे में हिंदुस्तान विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के आए और 100% प्योर फॉर्म में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया, और प्रोडक्ट के बारे में हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। नेक्स्ट करिएगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है, एसडीपीएच वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने 7 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया गया है, वेलनेस प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर है, और एग्रीकल्चर के भी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट एसडीपीएच वेलनेस ने डिजाइन किए। नेक्स्ट, जैसे कि सामने देख पाते हो, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। रोग प्रतिरोधक का मतलब इम्यूनिटी पावर, सभी लोग जानते हैं। yes. जो लोग नहीं जानते हैं वो कोरोना के बाद में वो भी लोग जानने लगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा होती है वो किसी भी तरीके के वायरस से अपने आप को सेव कर सकता है। यस और नो? यस। तो इन प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वायरस हमारे ऊपर इफेक्ट ना करने पाए। नेक्स्ट करेगा, ये भी जो प्रोडक्ट है वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, ये सारे के सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, डायबिटॉक आता है और नोरीडॉक है, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं अगर किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाती है, और डायबिटीज वालों को प्रॉब्लम ये रहती है कि जिसको हो जाए तो वो अंग्रेजी दवाइयों का खाते खाते इतना उसका मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है कि उसको ये लगने लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों में अगर इसका इलाज नहीं है तो कहीं पर भी इसका इलाज नहीं है। लेकिन
श्योरिटी यह है, इसकी सच्चाई यह है कि अगर उस गॉड ने आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। यस और नो? यस। तो आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जो गॉड गिफ्टेड है, गॉड के थ्रू बनाई गई नेचुरल चीजें हैं। यहाँ पर आपको शर्त यह है कि 100% सही चीज अगर आपको पहुंच जाती है तो उस चीज का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। हमारे पास में डायबिटॉक, मोनिटॉक और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनका यूज करके किसी भी डायबिटिक पेशेंट को अगर आप दे देते हैं तो पूरी तरीके से अपनी डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा पा सकता है। एक बार शानदार ताली इस प्रोडक्ट के लिए। अगर किसी को कैंसर नहीं है वो भी हर साल एक दो प्रोडक्ट इसका यूज कर लेता तो आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन कैंसर जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसे प्रोडक्ट एक बार शानदार पाए। ये मोटापा से संबंधित, अगर किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है, मोटापा अपने आप में 1000 बीमारियों को दावत देने वाली बीमारी है। यस और नो? अगर किसी को हो जाता है तो उसके साथ साथ में न जाने कितनी बीमारियां चल करके आ जाती हैं। तो ऐसे में हम लोग इस खतरनाक प्रॉब्लम से दूर करने के लिए इन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करेगा, ये बवासीर से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी पाइल्स जिसको बोला जाता है, ना कहीं जाए ना सही जाए। डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। एक टाइम ऐसा होता है ऑपरेशन के बाद में भी इसका सही प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, डॉक्टर खुद बोलता है मैं करूँ क्या। तो ऐसे में अगर आप इसका यूज कर लेते हैं तो 100% पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार होने से बच जाते हैं और ये इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है। नेक्स्ट करेगा, ये मस्तिष्क मेंटली अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन की ट्यूमर वगैरह हो जाता है जो आगे चल करके कैंसर का रूप ले लेता है, ऐसे में हम लोग ब्रेन डॉक को यूज कर सकते हैं, एडिडॉक को यूज कर सकते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिनका यूज करके हम लोग अपनी ब्रेन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा ये एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है बहुत ही, अगर किसी को हो जाती है, एक एलर्जी ऐसी बीमारी है दादी नानी की नुस्खों से एलर्जी हो जाती है। यस और नो? पहले लोग थूक लगा करके भी ठीक कर लेते, लेकिन आज के टाइम में लोग महीनों साल लग जाते हैं दवाई खाते खाते एलर्जी खत्म होने का नाम नहीं लेती। यस और नो? तो ऐसे में हमारे पास में 100% बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया, अगर आप इन प्रोडक्ट का यूज करते हैं किसी को प्रॉब्लम होती है तो जड़ से खत्म करने की ये ताकत रखता है। नेक्स्ट, ये गार्डियन प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है, देखो हमारे परिवार के अंदर हमारी जो सबसे अनमोल चीज है वो कौन है, हमारे माँ बाप। ये सब नो? 60-70-40-50 साल जितनी भी एज हो गई है और हम लोग केमिकल युग में जी रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। पर एक चीज ना तो बिना केमिकल के पकाई जा रही ना ही बिना केमिकल के उगाई जा रही है। यस और नो? तो ऐसे में हम लोग केमिकल से बच नहीं सकते, हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग बीमार है या नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग चेकअप कराने जाते हैं तब तक बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यस और नो? तो आज के टाइम में यही सबसे बड़ा रीजन है। पहले अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होती थी तो 3 अटैक आते थे कि हाँ पहला आया अभी चांसेस है, दूसरा आया अभी चांसेस है, ऐसा होता तो नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में आपको देख पाते हो कि रात में मिला था हमने सुबह में एक्सपायर हो गया, ऐसा बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। यस और नो? देखा है नहीं देखा है? तो ऐसे में आज के टाइम में साइलेंट अटैक आ गया है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों की जो आर्टरीज 80% तक ब्लॉकेज हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लोग अगर इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो वो अपने नॉर्मल अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं और कार्डियक कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी हो, अपने माँ बाप के लिए इस प्रोडक्ट का यूज जरूर कराइए और अपने लिए भी करिए। एक बार जोरदार और शानदार ताली इस प्रोडक्ट के लिए। ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए ये वो प्रोडक्ट है जो वेलनेस से रिलेटेड थे, हम लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपको स्लाइड पे देख पाते हो सामने, ये वो प्रोडक्ट है जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, जैसे चाय पत्ती है और तेल है। लेकिन मार्केट के अंदर जो चाय पत्ती हम लोग यूज करते हैं, तो चाय जब हम लोग पीते हैं तो क्या होता है, भूख खत्म हो जाती है, ऐसा ही होता है? Yes. होता है नहीं होता है? Yes. ठीक है। लेकिन ये जो चाय पत्ती है इसके अंदर 100% हर्बल तरीके से इसको डिजाइन किया गया, उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उसकी वजह से आपको चुस्ती फुर्ती मिलती है, एनर्जी मिलती है। और अच्छी चीज क्या है, इसके यूज करने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आपके पड़ोस में जो तेल दिखाया जा रहा है, सामने तेल लगा हुआ है, तो आज के टाइम में जो कार्डियक डिसीज की सबसे बड़ी रीजन है वो हमारा यूज होने वाला खाने का तेल है। ठीक है, तो अगर आप लोग खाने के तेल को वेंडर कर लेते हो तो आप लोग कार्डियक अटैक से पूरी तरीके से बच सकते हो। सबसे बेहतरीन चीज क्या है इससे बचने के लिए, कि आप लोग को रिफाइंड ऑयल जो आता है, अगर आप अपने घरों में यूज करते होंगे तो उस रिफाइंड ऑयल को यूज करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना होगा आपको। कर सकते हैं? Yes. रिफाइंड ऑयल को अगर यूज करना बंद कर देंगे तो फिर वो आपको बहुत हद तक काफी तरीके से कार्डियक अटैक से बचा सकता है। नेक्स्ट करिएगा, ये आपका अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ऐसे में हम लोग इन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट,
ये लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाती है तब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये किडनी से रिलेटेड, क्योंकि अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो लोग ऑपरेशन कराते हैं लेकिन ऑपरेशन के बाद भी दोबारा होने लगती है, तो ऐसे में अगर हम लोग हमारे पास से कोई भी बंदा स्प्लोनोडॉक का यूज करता है, वेरिडॉक का यूज करता है, तो आने वाले टाइम तक के लिए अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख सकता है, कभी भी उसको किडनी के अंदर स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलेगा, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट के अंदर बॉर्नविटा ये सारी चीजें होती हैं, ये बहुत सारे केमिकल इसमें डाले जाते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान के लिए होते हैं। ये पूरी तरीके से 100% हर्बल तरीके से बनाया गया जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार होता है। नेक्स्ट करेंगे थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी जो ज्यादातर लेडीज के अंदर होती है, दो टाइप का होता है, दोनों ही तरीके के थायराइड पे जबरदस्त रिजल्ट है इसके। नेक्स्ट करेगा, ये सांस से अगर रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होती है उससे बहुत ही जबरदस्त शानदार काम करता है ये। वुमेन वेलनेस मतलब लेडीज के अंदर ए टू जेड किसी भी तरीके की कैसी भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे में हम लोग इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, तो ऐसे में ये पूरी एक किट है वुमेन के लिए। वुमेन के अंदर ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, इनमें से सभी प्रोडक्ट का यूज करके अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट करेगा, ये वायरल अगर आपको किसी को भी फीवर वगैरह हो जाता है, वायरल तरीके से कोई भी बीमारी आपको लगती है, अगर फैमिली के अंदर किसी को भी लगती है, तो उन लोगों हम लोग इस प्रोडक्ट का यूज करा करके अपनी फैमिली को 100% हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट करेगा, ये अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी स्पर्म काउंटिंग जीरो है, जीरो स्पर्म काउंटिंग को भी बेहतरीन तरीके से मेंटेन करने की ताकत रखता है, एक बार इस 100 ग्राम की शानदार ताली हो जाए। ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम लोग डेली बात वगैरह के लिए साबुन वगैरह यूज करते हैं मार्केट से लेने के बाद में, लेकिन इन प्रोडक्ट का आप एक बार यूज करेंगे 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट के प्रोडक्ट आप लोग भूल जाएंगे, एक बार उन प्रोडक्ट का यूज जरूर करेगा। नेक्स्ट करेगा, ये भी पर्सनल केयर में आते हैं, कुछ लोग महिलाएं जो होती है क्रीम वगैरह मेहंदी वगैरह मार्केट से लेकर के आती है, जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट करेगा, ये भी ये स्वच्छता से संबंधित मतलब साफ सफाई के लिए हमारे घरों की उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ये भी हमारे स्किन केयर के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। नेक्स्ट करेगा, ये अगर किसी को किसी भी तरीके का नशा करने की आदत है, बहुत ज्यादा एडिक्टेड है किसी भी चीज का, चरस गांजा अफीम वगैरह हर तरीके के प्रोडक्ट, हर तरीके के नशे को छुड़ाने के लिए ये एडिक्टेड का यूज अगर कोई बंदा करता है तो वो किसी भी तरीके के नशे को छुड़ाने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट करेगा, ये बालों की देखभाल के लिए आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे खासे एज आती थी तब तो कोई बंदा बाल लेने आता था, किसी के बाल गिरते थे, लेकिन आज के टाइम में छोटी उम्र में भी लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे में मार्केट के अंदर जितने भी तेल है ज्यादातर तेल के अंदर केमिकल हो रहा है, जिस केमिकल की वजह से हम लोग शैम्पू और तेल का यूज कर रहे हैं वही केमिकल हमारे बालों को डैमेज कर रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है हर तरीके से बनाया गया, इनका प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग अपने बालों को भी बेहतरीन तरीके से सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। इसके अलावा दैनिक पोषण जो न्यूट्रिशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, खाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी बॉडी की नीड होती है, ऐसे में हम लोग न्यूट्रिशन का यूज कर सकते हैं। ये पाचन क्रिया के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, ये अगर किसी को आंखों में प्रॉब्लम होती है, किसी को मोतियाबिंद की भी शिकायत है, ऐसे में भी अगर हमारे पास आई ड्रॉप ड्रॉप का यूज करते हैं तो ये मोतियाबिंद की शिकायत को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है, जो कोई आंखों में चश्मा लगाता है तो वो चश्मे को भी दूर कर देता है। नेक्स्ट, इसके अलावा भी ये बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं मसल और पावर को बढ़ाने के लिए, बहुत ही अच्छा शानदार प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट, ये ओरल केयर प्रोडक्ट है, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है, पेस्ट से होती है, यस और नो, होती है ना, ठीक है, तो मार्केट में मिलने वाले जितने भी पेस्ट हो हम लोग मोस्टली जो घर में यूज करते हैं पेस्ट, उन सभी में झाग होते हैं या नहीं होते, झाग जो होते हैं वो एक केमिकल आता है फ्लोराइड, उसकी वजह से होते हैं, वो फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर पहुंच करके कैंसर का कारण बनाता है, छोटी मात्रा में इसलिए लगातार 30-40-50-60-60 साल तक अगर हम उस केमिकल का यूज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो कैंसर अपना सर दिखाएगा, यस और नो, यस। लेकिन आज के टाइम में लोग कहते हैं ना कि हम लोग तो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू कुछ भी नहीं खाते तब भी कैंसर हो गया, तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से केमिकल हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रहा है, इसी वजह से हम लोग इतनी खतरनाक बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। इसकी खूबसूरती क्या है, इसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता, मतलब इसके अंदर झाग नहीं होती है, मुंह से रिलेटेड कैसी भी समस्या होती है उसको जड़ से खत्म करता है, दांत खाज खुजली में भी इसको लगा सकते हो, जल जाए कट जाए उसमें भी लगा सकते हो, अगर किसी के पेट में दर्द होता है चने के दाने के बराबर एक ग्लास पानी में घोल करके पी जाओ, इन्हों से बेस्ट रिजल्ट देता है, एक शानदार पानी इसके लिए। ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, जितने भी किसान भाई हैं वो जानते होंगे कितनी ज्यादा मेहनत होती है अनाज को उगाने के लिए, यस और नो, और एक टाइम जब मेहनत के बाद भी अनाज उनकी मेहनत के अनुसार नहीं मिल पाता तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है, और साथ ही साथ में हम लोग जो अनाज बो रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे इतने खतरनाक केमिकल डाल रहे हैं, अगर किसान
ये जानते हुए भी कि हाँ ये इतना खतरनाक है, लेकिन क्या करें, मिट्टी की इतनी आदत पड़ गई कि उन केमिकल को उन पेस्टिसाइड को ना डाला जाए तो अनाज उपजाऊ नहीं हो पा रहा है। यस और नो? तो ऐसे में हमारे पास में एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। आने वाले टाइम में लगातार अगर आप अपनी खेती के अंदर इन प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो जो बहुत ही हाई केमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज अभी आप कर रहे हो उन केमिकल को दूर कर पाएंगे और एक बेहतरीन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में एक बेहतरीन खेती को हम लोग उपजाऊ बना पाएंगे। तो एक बार एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लिए भी जानना चाहिए। ये भी होम केयर के प्रोडक्ट है। नेक्स्ट करिएगा, ये आप देते होंगे, ये भी सारे के सारे प्रोडक्ट आज एसडीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ये मेकअप मंत्रा, बहुत सारे क्रीम है, फेस वॉश है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट का यूज मैंने आपको बताया कि मार्केट में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी प्रोडक्ट में केमिकल है, लेकिन इनमें कोई भी किसी तरीके का केमिकल नहीं, इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ये भी मेकअप मंत्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए ये वो प्रोडक्ट है जिनका यूज करके आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग अपनी लाखों की संख्या में लोग अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतरीन कर चुके हैं, लाइफ स्टाइल को बेहतर कर चुके हैं, हेल्दी मेंटेन कर चुके हैं। तो मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट बताए हैं, जो क्या ये वो प्रोडक्ट है जो हमारी जरूरत के हैं? यस, जरूरत के हैं ना? यस, ठीक है। तो